हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार महा एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम घर पे एक हाइड्रोमीटर बनाने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हाइड्रोमीटर का काम होता है वो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी चेक करना होता है। तो आज हम घर पे एक हाइड्रोमीटर बनाएंगे जुगाड़ करके, और उससे हम एक नॉर्मल वाटर चेक करेंगे और एक सॉल्टी वाटर भी चेक करेंगे और देखेंगे कि ये काम करता है या नहीं। तो आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो राह देख रहे थे ऐसे ही कुछ जुगाड़ का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने स्केल पे एक वाइट टेप आता है उसको लपेट दिया हूँ ताकि इस पर हम अच्छे से मार्किंग कर सके परसेंटेज चेक करने के लिए। तो या आप चाहे तो कुछ पेपर पे इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्केल पे चिपका कर टेप को इस पर मार्किंग कर ले रहा हूँ ताकि इसको चिपकाने में मेरे को ईजी हो जाए थोड़ा। तो चलिए देख सकते हैं मैं इस पर मार्किंग कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मार्किंग कर लीजिए। मुझे मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ उसको इग्नोर कर लीजिए, आपको मतलब एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें मतलब डेंसिटी चेक करने के लिए इसका जो मात्रा है अल्कोहल की मात्रा या एग्जांपल आप शुगर की मात्रा ये सब चेक कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह से मार्किंग कर लीजिए कि ताकि आप खुद उसको अच्छे से समझ पाए। और मैंने जो लिखा है उसे इग्नोर कर दीजिए, मेरी हैंड राइटिंग भी ठीक नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए किया हूँ। तो चलिए मैंने एक इंजेक्शन लिया है उसको हम इसी से हमारा जो हाइड्रोमीटर है वो बनेगा। तो देखिए इस तरह से ये इंजेक्शन लिया है मैंने, ये 5 रुपये में आ जाता है मेडिकल पे। तो इसको हम थोड़ा काट लेंगे यहाँ से क्योंकि ये जो है ये साइज़ थोड़ी इसकी बाहर निकली है, तो हम इसको क्लियर कर देंगे ताकि ये प्लेन हो जाए। तो देखिए इसको मैंने काट लिया हूँ और ये प्लेन हो चुका है जो हमने ये बनाया था मार्किंग करके पाइप वाला, उसको भी काट लिया है मैंने और उसको अभी हम यहाँ पे लगा लेंगे बाद में। पहले हमें इसको वेट देना होगा नीचे से। तो चलिए एक बोल्ट इसमें हम डाल देते हैं ताकि इसका जो वेट है नीचे से वेट हो जाए इसको। और पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो हाइड्रोमीटर आते हैं कंपनी के वहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, वेट दिया है नीचे छर्रा वगैरह डाल के। तो इस तरह से हम भी किसी भी चीज़ का वेट दे सकते हैं, आप चाहे तो रेत भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं इसमें ये रबर वाला जो उसके साथ में ही वैसर आता है उसमें डाल देता हूँ और ये बोल्ट इसमें मैं डाल दूँगा। और अभी हमें इसे नीचे से सील करना होगा, तो सील करने के लिए हम मोम का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो एमसील वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मोम ठीक रहता है। तो चलिए मैं इसे एक मोमबत्ती से इस पर मोम छोड़ूंगा तो ये नीचे से ये लॉक हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें इसे लॉक कर लेना है नीचे से। थोड़ा मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए और वीडियो अपनी लंबी ना हो जाए। तो देखिए ये अभी यहाँ से नट जो है पैक हो चुका है। तो चलिए अभी थोड़ा पानी ले लेते हैं, ये नॉर्मल पानी है एकदम, और इसे अभी हम चेक करेंगे। तो चलिए इसे पानी में छोड़ के देखते हैं। तो देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से मतलब नीचे गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको फेविक्विक लगा के अच्छे से इसको चिपका लेंगे ताकि ये निकल ना जाए। चलिए इसे मैं चिपका लेता हूँ, ठीक है। बाद में हम इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट टेप भी चिपका देंगे ताकि ये जब पानी में जाएगा तो मतलब ये जो हमने लिखा है इस पर मार्किंग की है वो मिट न जाए। तो चलिए मैं इसके ऊपर एक कैप लगा देता हूँ ताकि इसमें पानी ना चला जाए। ये देखिए एक कैप है जो IV सेट के साथ आता है, मतलब बेसिकली ये जो बना है हाइड्रोमीटर IV सेट से ही बना है, और एक इंजेक्शन से मतलब एक इंजेक्शन और एक आईवी सेट की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन है मेरे पास उसका एक एक दो आइटम, तो वो यूज़ कर लिया मैंने इसमें। तो देखिए लगभग ये रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसे ऊपर से जो ट्रांसपेरेंट टेप है वो चिपका देंगे इसके ऊपर ताकि ये जब पानी में जाए तो ये मतलब इससे कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए इसके ऊपर मैं एक काला टेप भी लगा देता हूँ ताकि ये दिखने में थोड़ा ठीक ठाक लगे। तो ठीक है, इसके ऊपर मैंने काला टेप नीचे और ऊपर दोनों तरफ लगा दिया हूँ
और ये लगभग रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी हम ये जो नॉर्मल पानी है सिलेंडर में ऐड कर लेंगे और चेक करेंगे इसकी डेंसिटी कितना आता है। अभी तो पूरा जो हाइड्रोमीटर है वो नीचे बैठना चाहिए क्योंकि इस लिक्विड में कुछ भी नहीं है, या इसमें सॉल्ट भी नहीं है या इसमें शुगर भी नहीं है। तो ये देखिए ये पूरा जो है ये क्लीन है। तो थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं पूरा जो हाइड्रोमीटर है वो नीचे बैठा हुआ है। और अभी हम इसमें थोड़ा सॉल्टी पानी भी डालेंगे फिर चेक करेंगे। पहले हम हमारा जो बनाया हुआ हाइड्रोमीटर है वो भी आपको डाल के बताते हैं। तो देखिए ये भी पूरा नीचे बैठ चुका है। तो देख सकते हैं ये भी हाइड्रोमीटर पूरा नीचे चला चला जा चुका है। तो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, देखिए। चलिए पानी मैं इसमें निकाल के थोड़ा दिखाता हूँ आपको। तो देखिए क्योंकि ये जो हाइड्रोमीटर का साइज है वो छोटा है तो इसके लिए थोड़ा पानी कम करना पड़ा मेरे को। तो देखिए पूरा जो है नीचे जा चुका है ये। तो अभी हम इसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे दो दो चम्मच, और इसको घोलने के बाद इसकी डेंसिटी हम चेक करेंगे, देखेंगे हाइड्रोमीटर ऊपर उठता है या नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए इसको हम घोल लेते हैं थोड़ा, हमने इसमें नमक मिलाया है उसे घोल लेते हैं ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए इसमें। ठीक है इसमें क्या गिरा गया मालूम, थोड़ा चख के देखते हैं। तो पुराना पानी जो है वो खट्टा सा लग रहा है, नमक डाला इसलिए नमक वाला पानी हो गया अभी ये। तो चलिए अभी इसके हम सिलेंडर में डाल के इसकी डेंसिटी चेक कर लेते हैं। हमें इससे इतना एक्यूरेट रीडिंग तो नहीं पता चलेगा गाइस, लेकिन क्या है एक मोटा मोटा अंदाज़ा आपको हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये हाइड्रोमीटर कंपनी का है ना, तो इससे आसानी से पता चलता है। लेकिन जो हमने हाइड्रोमीटर बनाया है उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कितना अल्कोहल है या कितना शुगर है या कितना सॉल्टी पानी, ये सब डेंसिटी आप इससे चेक आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी हम हमारा जो हाइड्रोमीटर है वो डालेंगे। देखिए ये तो उठ चुका था ऊपर, अभी हमने ये जो बना है जुगाड़ करके उसको डालेंगे। तो देखिए इसमें पानी में छोड़ देता हूँ इसको, और देखिए कितना ऊपर उठ चुका है ये, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से वर्क करता है ये फ्रेंड्स। तो ये जो जुगाड़ है आज का सक्सेस है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।